सबसे पहले खबर ग्रेटर नोएडा से है। कोफोर्स कंपनी में हादसा हुआ है, दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई है। सीवेज प्लांट में उतरे थे तीनों, दम घुटने से तीनों की मौत हुई है। तीनों मृतक कंपनी के कर्मचारी हैं। कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में ये कंपनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कब की ये घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? बिल्कुल अनुपम, देखिए ये कोफोर्स कंपनी है और इसमें जो मेंटेनेंस विभाग के 3 कर्मचारी थे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नीचे उतरे थे साफ सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और इस दौरान इनकी दम घुटने से मौत हो गई। और जो तीनों मृतक हैं, एक मोहित, हरिगोविंद और अंकित है, इनकी दर्दनाक मौत हुई है। और फायर विभाग को मौके पर बुलाया गया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से तीनों को निकाला गया है, निजी अस्पताल ले गए जहां पर इन्हें ब्रॉड डेड बताया गया है। फिलहाल पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सभी मौके पर हैं और इसके अलावा वहां पर जो कंपनी है उसकी लापरवाही के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये पूरा प्रकरण जो है वो इकोटेक पर थाना क्षेत्र का है। जी हिमांशु, इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी चाहे जिला प्रशासन हो चाहे प्राधिकरण के अफसर हो, कभी कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिलता और हादसे लगातार होते रहते हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, पूर्व में भी इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई थी और एक बार फिर इस तरीके की घटना आई जिसमें 3 मेंटेनेंस के कर्मचारी की दर्दनाक मौत हुई है। और पुलिस विभाग के जो अफसर हैं उन्होंने अथॉरिटी से भी समन्वय स्थापित किया है, पहला वो देखने के लिए कि क्या जो मानक है, तय मानक थे उनके हिसाब से ये बना हुआ था। दूसरा जो पुलिस के अधिकारी है वो भी ये देखना चाह रहे हैं कि सेफ्टी बेल्ट और जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्या ये जो कर्मचारी जब नीचे सीवेज ट्रीटमेंट। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उन्नाव में वेल्डिंग दुकान में जोरदार विस्फोट होने से अड़कंप मच गया। दुकान पर मौजूद वेल्डर समेत एक युवा गंभीर रूप से घायल हुआ है। धमाके से मकान का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर से विस्फोट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के बिछिया बाजार की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से, जहां पर बाबूगढ़ पुलिस ने 4 टॉप 10 इंस्टीट्यूटर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 315 बोर के तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। सभी पर हत्या का प्रयास, NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट में करीब 4 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और इनकी पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। और अब बात करते हैं लुटेरी दुल्हन की। मुजफ्फरनगर में लुटेरी दुल्हन की कारतूस सामने आई है। HIV पॉजिटिव होने की बात छुपाकर लुटेरी दुल्हन तकरीबन 5 लोगों को लूट चुकी है। जब ये बात प्रशासन को पता चली तो उन पीड़ित लोगों को तलाश किया जा रहा है जो इसका शिकार हो चुके हैं। दरअसल शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि जेल जाने के बाद शातिर दुल्हन ने खुद को HIV पॉजिटिव बताकर प्रशासन को सख्ते में डाल दिया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने चेकअप कराया तो युवती पॉजिटिव पाई गई। उसका निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज चल रहा है और जब वो महिला जेल में आई थी प्रवेश के समय उसके द्वारा हमारे चिकित्सा अधिकारी को बताया गया था कि उसका इलाज पहले से चल रहा है, तो उसका RT सेंटर से वही इलाज कंटिन्यू करा दिया गया है। वो लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। आप लोगों को भी जानकारी तो HIV चिकित्सा अधिकारी को उसी समय बताया था, उसके बाद इलाज चल रहा है उसका। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदला है। शाहजहांपुर और संभल में मौसम ने करवट ली है। दोपहर के वक्त बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। संभल में भी मौसम बदला है। करीब घंटे भर बरसात हुई है जिससे लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर में हुई रिमझिम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। और अब आइए आपको सतर्क करने वाली खबर दिखाते हैं, क्योंकि आप देश के किसी भी शहर किसी भी मोहल्ले में रहते हो, यह खबर आज आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि हैदराबाद से जो कुत्तों के अटैक की तस्वीर सामने आई है वो किसी को भी परेशान कर सकती है।
हैदराबाद में मॉर्निंग वॉक करने गई महिला की सुबह इससे ज्यादा डरावनी नहीं हो सकती। उसे क्या पता था कि सुबह घूमने निकलने पर आवारा और खतरनाक डॉग्स का झुंड उसके पीछे पड़ जाएगा। एक दो नहीं 15 से ज्यादा आवारा डॉग्स ने महिला को घेर लिया। इस दौरान वो महिला किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुत्तों से घिरी वो महिला इतना घबरा गई कि वो एक बार तो कुत्तों के झुंड के बीच ही गिर पड़ी, जिसके बाद कुत्ते उस पर टूट पड़े। लेकिन उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार उन्हें अपने से दूर हटाने की कोशिश करती रही और किसी तरह हिम्मत कर उठ खड़ी हुई और भागी। उसी वक्त एक बाइक सवार वहां पहुंचा, जिसे देख खूंखार कुत्ते वहां से भाग खड़े हुए। 20 कुत्ते अटैक किया, बहुत परेशान हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कुत्ते के फूड इनसाइड अंदर नहीं डालना, इधर डालेगा तो आउटसाइड है ना, वो स्ट्रीट कुत्ते है ना, इसके लिए हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये कुत्ते के खाना है ना, वो बाहर रखेगा तो बाहर खाते है बाहर जाते है। हैदराबाद हो या अजमेर या मथुरा या यूपी का बिजनौर, कोई भी शहर इन खूंखार कुत्तों के आतंक से बच नहीं पाया है। दिल्ली के पास नोएडा में कई हाउसिंग सोसाइटी में ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें बच्चों पर पालतू कुत्तों ने हमला किया और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। नोएडा से आई रिपोर्ट तो काफी डराने वाली है। यहाँ न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला कि रोजाना 200 लोग खूंखार कुत्तों के हमले का शिकार होते हैं। यहाँ सेक्टर 39 के जिला अस्पताल में रोजाना 200 लोग कुत्तों से काटने के बाद रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में एक दिन में 150 से 200 लोग कुत्तों के काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी एक महीने में 4.5 से 5 हजार का आंकड़ा इन आवारा और पालतू कुत्तों के काटने के बाद पीड़ितों के अस्पताल पहुँचने का है। तो आज दूसरी डोज लगी है मेरे को, काटा था इसने 20 तारीख को, मतलब सुबह का टाइम था, नॉर्मल वॉक कर रहे थे तो अचानक आया, तो पहले अचानक कूदने लगा तो फिर मैं गिर गया था, तो एक और आया, दो दूसरे ने काट लिया वहाँ, बस वही उसके बाद भागे भागे तो क्या कहते हैं, हाँ ईटा वगैरह था तो उससे मार रहे तो भागा। तो ये है कि मतलब बहुत परेशान कर रखे हैं हमारा कुत्ते। पिछले दिनों से आंकड़े कम ही हुए, 300 तक लगे हैं हमारे यहाँ पर डे, तो अभी तो 200 के आसपास लग रहे हैं, 200 पर डे लगभग लग रहे हैं, और 24 घंटे लगते हैं, ऐसी कोई नहीं है हबड़ताबड़ कि आप सुबह ही आके लगाएं, किसी भी टाइम आएंगे इंजेक्शन आपको लग जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी व्यवस्था जो है ARV की मौजूद है। आवारा कुत्ते ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में लोग पालतू कुत्तों के हमले का शिकार होकर भी बुरी तरह घायल हो चुके हैं या अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसी साल राज्यों से कहा है कि डॉग्स की 23 ब्रीड के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाए। राज्यों से कहा है कि इन 23 ब्रीड के डॉग्स का ना सिर्फ इंपोर्ट रोके बल्कि इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाए। 23 डॉग ब्रीड की लिस्ट में रॉटवेलर और पिटबुल भी शामिल है। हाल ही में इंसानों पर डॉग अटैक्स के केस में इन ब्रीड्स के डॉग का नाम आया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन डॉग्स की मिक्स ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स पर बैन लगाया जाए। कानपुर की राजपुर नगर पंचायत में नाला निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। लोगों के हंगामे के बाद यो ने काम बंद करा दिया। मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत करीब 39 साल से नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इलाके के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार नाला निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। ईओ ने काम बंद कराकर अवर अभियंता को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही काम शुरू होगा। इसमें जो मटेरियल लगा रहे हैं, मटेरियल वो उस हिसाब से नहीं लगा रहा है जिस हिसाब से मानक है उसका, और मोरम में जो है इतना डस्ट मिला हुआ है, इतनी मिट्टी मिली हुई है, करीब 50% मिट्टी मोरम में मिट्टी दिखाई दे रही है। तो फिर आप लोगों ने विरोध किया? फिर बिल्कुल विरोध किया, तो मैं काम बंद करा दिया। उनका ठेकेदार आएगा तो उससे बात करेंगे, अब नहीं सुनी जाएगी तो SDM साहब से बात करेंगे। मेरठ पुलिस ने करीब 110 मोबाइल रिकवर किए हैं। रिकवर किए गए मोबाइलों की कीमत करीब 24 लाख रुपए है। ये वो मोबाइल हैं जो या तो चोरी हुए थे या फिर गुम हो गए थे।
मेरठ पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल रिकवर करने के लिए सर्विलांस टीम गठित की है। मोबाइल फोन पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की और पुलिस के इस अच्छे काम के लिए धन्यवाद भी दिया। देखिए, जिन लोगों के फ़ोन गुम हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं छूट जाते हैं, ऐसे लोग जब पुलिस के पास कंप्लेंट करते हैं तो हम लोगों ने एक सर्विलांस सेल है हमारा, जो सर्विलांस लगातार इनको ट्रैक करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही वो फ़ोन स्विच ऑन होते हैं तो उनको लोकेशन ली जाती है उनकी और पहुँच के उनसे बात की जाती है। तो इस तरीके से करीब 110 फ़ोन है जो हमने रिकवर किए हैं। करीब मिड फरवरी के आसपास हमने स्टार्ट किया था इसको ढूंढना। कंसिस्टेंट प्रोसेस हमारा लगातार ही चलता रहता है। जो 15 फरवरी से लेकर अब तक करीब 110 फ़ोन मिले हैं हमें। इसमें कुछ फ़ोन हमें डायरेक्टली लोगों से बात करके वापस कर दिए गए हैं, कुछ फ़ोन हमें लोगों ने कुरियर किया है दादा, कुछ फ़ोन लोगों ने जैसे हमने संपर्क किया था उन्होंने आसपास के जो दुकान है शॉप्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया था, हमारी टीम वहाँ से जाके रिकवर करके लेके आई थी। राधारानी पर टिप्पणी पंडित प्रदीप मिश्रा को भारी पड़ गई। ब्रज के संतों ने महापंचायत बुलाई जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री का फैसला लिया गया। ब्रज के किसी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक लगा दी गई है। क्या ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री है, संतों की महापंचायत ने ये फैसला लिया है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान से नाराज संतों ने बरसाना में महापंचायत बुलाई थी और इस महापंचायत में ये बड़ा फैसला लिया गया कि ब्रज के किसी भी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं, संतों का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अगर माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों और महंतों की अनुमति के उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदीप मिश्रा एक दुकानदार है जो रुद्राक्ष और माला सामान बेच करके व्यापार करके अपना काम चला रहा है। ऐसे व्यापारी कथावाचकों को सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर क्षमा मांगे और कहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मेरे द्वारा ये वक्तव्य दिया गया, फिर आने का अपनी सूचना दें कि वो राधा रानी मंदिर कब आ रहे हैं। यदि वो शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो हमारे कहीं भी आ जाए। अब हमसे उन्होंने धीरकासुर कहा है ना, तो धीरकासुर लीला पूरी करके दिखाएंगे वो लीला कैसे हुई थी। शास्त्रार्थ करने के लिए हर तरह से तैयार है और वो जिसको लड़ना चाहे उसको साथ में ले आवे। यदि वो क्षमा मांगने आवे तो श्री लालगी जी के मंदिर में आवे और कहे मेरी बुद्धि खराब हो गई, मति मारी गई थी, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। और यदि वो अपने अभिमान पर टिका है तो उस आंदोलन के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों राधा रानी पर टिप्पणी की थी जिसके बाद उन्हें प्रेमानंद जी महाराज ने भी खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर दोनों के बीच सुलह हो गई थी। उनसे सुलह होने के बाद लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन यहाँ तो बात और बिगड़ती नजर आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा को माफ कर दिया हो, लेकिन ब्रज के संतों ने माफी नहीं दी है। इन्होंने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को सजा देने की ठान ली है और अब महापंचायत में संतों ने ये फैसला लिया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। ब्रज के संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है और अब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ गुरु सांदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से नाक रगड़कर माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वो मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे। व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए क्षमा मारती, और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर संतों में नाराजगी है। ब्रज के संत तो उनके बयान से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। धर्माचार्यों ने उन्हें शास्त्रार्थ की भी चुनौती दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।